पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुंडा पांडे के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर व नर्स में कुछ कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर श्वेता ने अपने परिवार वालों को फोन किया। मौके पर पहुंच डॉक्टर श्वेता के परिवार वालों ने डॉक्टर नरेंद्र से जाकर बात की। तब डॉक्टर नरेंद्र ने बताया कि मेरी ऐसी कोई भी बात डॉक्टर श्वेता से नहीं हुई है। डॉक्टर श्वेता का कहना है कि डॉक्टर साहब ने मेरी एक दिन की अब्सेंट लगा दी थी, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र को किसी भी अब्सेंट का कोई मालूम नहीं है। बताया जा रहा है कि नर्सों द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया जाता है और अस्पताल के अंदर गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं कराई जाती। इसी बात को लेकर डॉक्टर नरेंद्र व श्वेता में कुछ कहासुनी हो गई थी। डॉक्टर श्वेता का कहना है कि मेरे साथ डॉक्टर नरेंद्र ने गलत व्यवहार किया था। पर नर्स में ड्यूटी पे आई तो पता चला कि मेरे साथ की जो स्टाफ है उनके साथ हमारे जो एमओएससी डॉक्टर नरेंद्र, उन्होंने डिसबिहेव करा और सुना है कि उनको थप्पड़ भी मारा और उनका खाता पाइप करी थी। पहले भी ऐसा वो कर चुके हैं, क्या थे ऐसे लड़ाई झगड़े तो उनके स्टाफ उनके साथ होते ही रहते हैं आए दिन, कभी डिलीवरी को लेकर कभी किसी भी चीज़ को लेकर कभी कैसे लेकर लेकर ये कहते हैं कि तुम समझ आ जाओगे तुम लोग की और तुम मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई करोगे या कुछ भी काम करोगे तो तुम्हारी समझा सब कर दूंगा, तुम्हारी एक्शन लगाऊंगा, मैं सैलरी कट लूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं तो ऊपर तक सबको पैसे देता हूँ। अधिकारी मुंडा पांडे, ये श्वेता है स्टाफ नर्स, इनकी अभी फरवरी में ज्वाइनिंग हुई है, तो ये इनके घर में कोई फंक्शन था अभी 27 तारीख को, तो 26 तारीख को मैं कोड एवेंजेंस होने की वजह से बाहर गया था सी एम मैडम से छुट्टी लेके, और यहाँ पे डॉक्टर श्री भूषण जो एम ओ सेकेंड है ये इनके पास चार्ज था, इनसे उन्होंने अपने चार्ज उनकी सी एल सेंक्शन कराई और अपने घर चली गई। फिर वहाँ से जब ये वापस आई और तो आने के बाद मेरे से पूछा कि मेरी सर एब्सेंट लगी, मैंने एब्सेंट तो कोई नहीं लगी सर, इसमें सारी सीएल लगी हुई, आप देख लो उसमें सारी सीएल ही लगी हैं, जो प्रूफ है कोई एब्सेंट है ही नहीं उसमें। लेकिन किसी ने जिस दिन ये यहाँ पे मौजूद थी किसी शरारती तत्व ने इनकी एक दिन की कोई एब्सेंट लगा दी उसमें रजिस्टर में, किसी 26 अप्रैल को मैं मेरे से पूछा उन्होंने कि सर आपने लगाई, मैंने कहा बेटा मैं तो था ही नहीं उस दिन, मैं तो कोड अवेयरनेस में गया था, मैं किसी ने लगा दी होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सैलरी नहीं कटेगी क्योंकि आप प्रेजेंट हो यहाँ पर। तो बोले नहीं आप मेरी प्रेजेंट कैसे लगाई, एब्सेंट कैसे लगाई आपने, ये मैंने कहा मैंने नहीं लगाई है, इसी चीज़ को लेके गर्म हो गई। फिर हमने इनको समझाया कि बेटा आप अभी चले जाओ, हम मरीज देख रहे हैं, बाद में बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ डॉक्टर से मौजूद हैं, ये भी यहाँ उपस्थित थे और बाहर पेशेंट भी थे और सारा स्टाफ है यहाँ पर, सब कमरे से बाहर धक्के देते हुए बाहर निकाला, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो सारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, आप एक एक से करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सत्य है वो सत्य है।